हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नाजिश और आज की इस टॉपिक है हमारी होम रेमेडी पे। आज मैं आपके साथ एक ऐसा होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन वाइटनिंग हो जाएगी, आपकी स्किन की जितने भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि डार्क सर्कल, एक्ने स्पॉट एंड डार्क स्पॉट वगैरह, ये रिड्यूस हो जाएंगे। सो बहुत ही अच्छा ये रेमेडी है, मैं भी इसे यूज करती हूँ अभी, तो आपको दिखाती हूँ कि ये कौन सी रेमेडी है। सो उसके लिए हमें चाहिए, खानी नहीं है इसे इसे हमें लगानी है फेस पे। ये है टोमेटो। टोमेटो आप जानते हैं कि ये इसके अंदर वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है एंड ब्लीच प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन के डेड सेल को रिमूव करती है। सो इसके लिए हमें चाहिए हाफ टोमेटो एंड 1 टीस्पून शुगर। ये है 1 टीस्पून शुगर, आपको इसके टोमेटो के ऊपर इसे रखने हैं, डालने हैं और इसे आपको सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रबिंग करनी है। आप कम या ज्यादा शुगर ले सकते हैं, आप चाहे तो ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरे पास ब्राउन शुगर नहीं है तो मैं ये नॉर्मल शुगर जो हम खाते हैं वो ले लिया मैंने। सबसे पहले मुझे बाल को अपना टाई करना होगा, नहीं तो बालों में सारा लग जाएगा। इस तरीके से आप अपने बालों को टाई कर लीजिए और टोमेटो के ऊपर 1 टीस्पून शुगर को रखिए लाइक दिस हियर एंड आपको इसे सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे स्क्रबिंग करनी है। लाइक दिस शुगर मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया था। शुगर एंड टोमेटो बहुत ही अच्छा है कि स्क्रबिंग है ये। आपको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में 2 मिनट के लिए आपको स्क्रबिंग करनी है ऐसे। इसके बाद आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देना है जिससे टोमेटो के अंदर जो वाइटनिंग प्रॉपर्टीज है वो आपकी स्किन में आ जाए। इस स्क्रबिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपके जो भी स्किन में डेड सेल्स होते हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं, पोर्स आपके ओपन हो जाते हैं एंड आपके जो नोज अराउंड जो आपकी ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वो स्क्रबिंग करने से निकल जाते हैं। आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं एंड स्पॉट वगैरह जो होते हैं, ब्लैक स्पॉट, कभी कभी एक्ने के स्पॉट, या हम एक्ने को छू देते हैं, टच कर देते हैं, निकाल देते हैं तो एक्ने के जो स्पॉट पड़ जाते हैं या क्योंकि किसी भी रीजन से जो स्पॉट हो जाते हैं उसे भी रिड्यूस कर देता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको वीक में 2 to 3 times आपको इस स्क्रब को करना होगा। आप चाहे तो डेली भी कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ऑल स्किन टाइप के लिए ये परफेक्ट है। सो अभी हम इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, उसके बाद मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ कैसा इंस्टेंट सा ग्लो आता है इसको करने से। सो गाइस, 15 मिनट्स हो चुके हैं, यू कैन सी ग्लो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। अगर आप इसे डेली बेस पे लगाते हैं ना तो जिस मैजिकल मैजिकल रेमेडी है, बहुत अच्छा इसका ग्लो आता है।
आप अगर डेली बेस पे नहीं लगा सकती हैं तो आप इसे आप वीक में 2 to 3 times आप इसे यूज कर सकती हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार आप लगाइए एंड आप इसका रिजल्ट देख के एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। बहुत अच्छा रेमेडी है, आपके किचन में ही दोनों चीजें मिल जाती है, शुगर भी हमेशा अवेलेबल होती है एंड टोमेटो भी हमेशा अवेलेबल होती है। आप इससे लगाइए और लगा के मुझे रिजल्ट जरूर बताइएगा एंड मेरी आपको मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।